निकाह हो रहा है, जिस होटल में हम रुके हैं वहाँ पे किसी का निकाह हो रहा है और निकाह सुनना जो है वो सुन्नत है। बाबा नहीं नहीं ये मत काटो, ये मत काटो, नहीं 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 बोर्डिंग पास, बोर्डिंग पास, नहीं नहीं नहीं। हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होकर मजे में होंगे। गाइस आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो कुछ काम से हमें दिल्ली आना पड़ा और अभी जो है वो पता नहीं कहाँ पे, बस पीछे पीछे में चल रहा हूँ। बाइक बाइक अभी क्या है कि बहलुल को जो है नींद पड़ी है और ऐसा होता है जब भी ये ट्रैवल करता है तो ये सो जाता है। पहले तो बहुत खुश होता है दो चार मिनट और उसके बाद नींद आती है फिर सो जाता है, फिर भुगतना जो है वो हमको पड़ता है इसको उठा के। अभी सो रहा है, देखिए मज़े में सो रहा है। तो अभी चलते हैं। वैसे एज यू नो कि जैसे मैं आपको बोला कि मैं बहुत दिनों से बिज़ी था तो उसी चक्कर में जो है वो अब दिल्ली आना पड़ा है। तो इंशाल्लाह जो है हमने अपना एक आउटलेट खोला है, रिगार्डिंग दैट हम अभी दिल्ली में हैं और देखेंगे। अभी बहुत सफ़र करना है कुछ दिनों इंशाल्लाह, तो देखेंगे आगे आगे क्या होता है। वो ऐसा है कि कुछ जगह जो है कोई कोई जगह दिल्ली में बहुत अच्छी है, बहुत डिसेंट है और कोई बहुत सारी जगह है ऐसी है जहाँ गंदगी जो है वहाँ धूम मचाई है गंदगी ने। जहाँ मैं अभी चल रहा हूँ वो बिल्कुल भी अच्छी जगह नहीं है, बहुत स्मेल आती है यहाँ से और सड़क पे जो है वो क्या बोलते हैं उसको, लाल लाल जो ये पान खाते हैं तो सड़कों पे जो है थूकते हैं वगैरह थूकते हैं, बिल्कुल भी अच्छी जगह नहीं है। बट हाँ बहुत सी डिसेंट जगह हैं यहाँ पे, तो देखते हैं आगे आगे। ये देखो पड़े हुए हैं बेचारे, अगर हम देखें तो जो है वो खूबसूरत हर कोई जगह है अपने अपने हिसाब से। बट वैसे ही कश्मीर भी हमारा, कश्मीर जो है वो भी खूबसूरत है, दिल्ली भी खूबसूरत है, हर कोई जगह खूबसूरत है। बट मेन पॉइंट पता है क्या है, मेन पॉइंट पता है वो है सफाई। यहाँ पे उतनी सफाई नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू कश्मीर। हमारे कश्मीर में साफ़ सुथरा माहौल है, दैट्स व्हाई कि सबको पसंद है। वो जो है इधर मजार है। जब मैंने वहाँ पे जहाँ पे मुझे काम था वहाँ पे गया तो उसके बाद वहाँ पे बहुत सारा जो है वो टाइम लगा और वल्लाही इतना एग्जॉस्ट हो गया, इतना एग्जॉस्ट हो गया, इतना एग्जॉस्ट हो गया कि आई कॉन्ट इवन एक्सप्लेन। मैं पूरा जो है वो थक गया हूँ और मुझे पता है अगर मैं जो है वो कंट्रोल ना कर पाता तो मुझे पता नहीं मैं सड़क पर सो जाता, कहाँ पर सो जाता, कैब में सो जाता, आई डोंट नो। बट अभी अल्हम्दुलिल्लाह होटल में आ चुका हूँ और उसके बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया और वहाँ पे जो है वो हमने फिर एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जो है वो लंच वगैरह कर लिया। और एज यू नो कि मैं डाइट पे होता हूँ तो मैंने अपने लिए जो है वो चिकन टिक्का विदाउट ऑयल वगैरह रोस्टेड मैंने करवाया, जो है वो खा लिया मैंने। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फीलिंग बेटर नाउ।
तो बात यह है कि कल सुबह जो है हमें कल सुबह सवेरे मॉर्निंग में जो है हमारी फ़्लाइट है 8 बजे 8:30 बजे। तो डैट मीन के हमें जो है वो 6 बजे या 6:30 बजे जो है वो एयरपोर्ट जो है वो पहुंचना होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह होटल जो है वो नज़दीक ही है एयरपोर्ट के, तो कल सुबह जो है वो हम यहाँ से जो चेकआउट कर लेंगे और इंशाल्लाह 10 बजे जो है 9:30-10 बजे जो है वो हम अपने कश्मीर में होंगे इंशाल्लाह रहमान। बस दिल्ली अच्छी है, अच्छी जगह है विज़िट करने के लिए, बट कहीं कहीं जगह जो है वो बहुत सारी गंदगी है जो नहीं होनी चाहिए। बाकी साफ़ सुथरा एरिया है, अच्छी जगह है, कुछ जगह अच्छी है, कुछ जगह अच्छी नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे लोगों ने इतनी गंद मचा के रखी है कि क्या मैं बताऊँ, और कुछ जगह ऐसी है जहाँ अच्छा लगता है बैठना, जहाँ अच्छा लगता है जो है रहना इंसान को। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि हर कोई जगह अच्छी है, इंडिया में हर कोई जगह अच्छी है, वर्ल्ड में हर कोई जगह अच्छी है, बस हमें जो है वो नज़रिया होना चाहिए कैसे हम देखते हैं। साफ़ सुथरा माहौल जो है वो इंसान को पसंद होता है। तो वही अगर दिल्ली में हम देखें तो यहाँ भी बहुत सारे ऐसी जगह हैं जो साफ़ सुथरे होते हैं, तो इंसान को पसंद होता है वहाँ पर बैठना। और जो है कश्मीर की बात अगर करें तो कश्मीर में माशाल्लाह इतनी साफ़ सफाई है कि वो हर किसी को पसंद आ रहा है। तो साफ़ सफाई जो है वो अच्छा लगता है इंसान को, क्योंकि अगर हम देखें कुत्ता भी अगर किसी जगह बैठता है, कुत्ता अगर किसी जगह बैठता है वो पहले अपनी दुम से जो है वो उस जगह को साफ़ करता है। तो हम तो फिर भी इंसान हैं, सो ऐसे हमें नहीं करनी चाहिए। सड़कों पे थूक दे यहाँ पे वो जो क्या करते हैं वो नेवला करते हैं या कुछ पान वगैरह खा के सड़कों पे जो है वो थूकते हैं, वो नहीं होना चाहिए। वो बहुत ही बुरी आदत है, बैड डिसिप्लिन है, वो नहीं होना चाहिए, बैड मैनर्स है, वो नहीं होना चाहिए। बाकी अच्छी जगह है। और जैसा कि मैंने कहा आपको कि हमारा जो है आउटलेट जो है इंशाल्लाह हम उसी के लिए मैं बिज़ी था इतने टाइम से, मतलब 2-3 महीने से मैं उसी सिलसिले में बिज़ी था। दैट्स व्हाई कि ब्लॉग जो है वो नहीं आते थे, बट अल्हम्दुलिल्लाह ये कुछ लास्ट के कुछ काम रह गए थे जो बाकी रह गए थे करना, तो आज मैंने जो है वो भी कंप्लीट कर लिया। सो गाइस, किसी की शादी हो रही है यहाँ पे, किसी का निकाह हो रहा है। जिस होटल में हम रुके हैं वहाँ पे किसी का निकाह हो रहा है, और निकाह सुनना जो है वो सुन्नत है। और रूहानी तकरीब है जिसमें एक दो जोड़े बाहर एक दूसरे से शुरू शकर हो रहे हैं। मौके पर आपके सामने कहा गया है और अब आपके सामने गाइस ये है लंबरगिनी। देखिए कैसे यहाँ पे रखी गई है VIP के लिए। न्यू पार्लियामेंट अब ओपनिंग हो गई उसकी। अच्छा तो अभी पार्लियामेंट ही है। हाँ भाई बढ़िया। अभी हम गए थे लेट नाइट घूमने, तो अभी आ चुके हैं। और यहाँ से आप देखिए कितनी ऊंचाई पे है। हो गया जी, लेट्स गो। और ये पहुँचे कमरे में, ये गेट का डाला यहाँ पे, लाइट्स ऑन सी। ये देखिए अब बहलूल मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा। नहीं नहीं ये मत काटो, ये मत काटो। नहीं 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 बोर्डिंग पास, बोर्डिंग पास। नहीं नहीं नहीं
नहीं नहीं नहीं नहीं मचा रहे गाड़ी मचा रहे अभी घर जा रहे हैं और गर्मी इतनी है कि मैं क्या बताऊं। अभी कश्मीर में जो है वो सुना है बारिश पड़ रही है। सो गाइस वी आर रेडी टू फ्लाई।